भारत की अनेक जातियां और जनजातियों में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही पारंपरिक कलाओं को लोक कला कहते हैं, जिसमें नाचा छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध लोक नाट्य कला है। ये एक आकर्षक नाट्य कला विधा है, जिसमें कलाकार और दर्शक सभी छत्तीसगढ़ी भाषा बोलने वाले समुदायों से संबंध रखते हैं। इसके कला भंडार में कई परंपरागत और लोक संगीत सम्मिलित हैं, जैसे कर्मा, ददरिया, सुआ, सोहर, पंथी, पंडवानी। इसी नाचा के प्रसिद्ध कलाकार हुए गोविंद राम निर्मलकर। ये कोई खेल नहीं है, अरे मोहब्बत है। अरे ये जुल्म इसी रात ने किया होगा कि मेरी जिस्बी ने वादा भुला दिया होगा। ये क्यों खड़ी है ये दीवार, बन के एक पहाड़। अरे भाई रे, अच्छा पेट भर का मेरे कुत्ता रोगा। अरे भैया जाओ राखी पे देख लेते ना, वो सही। फरहाद की निगाहें तेरी की हसलिया। ताऊ के मड़ई मेले से शुरू कर रंग ऋषि हबीब तनवीर के नाटकों के माध्यम से सारी दुनिया में अपनी कला का लोहा मनवाया। नाचा के पुरोधा पद्म श्री गोविंद राम निर्मलकर, जिन्होंने पूरा जीवन गांव के मड़ई मेला से उठ करके और रंग ऋषि हबीब तनवीर के नाटकों के माध्यम से दुनिया में अपनी कला का लोहा मनवाया। गोविंद राम निर्मलकर जी ने अपना पूरा जीवन छत्तीसगढ़ की इस लोक कला को समर्पित कर दिया और अंतिम सांस तक नाचा के भविष्य की चिंता की। लोक कला के श्रेष्ठ कलाकार, नाचा के पुरोधा और छत्तीसगढ़ महतारी के महान सपूत को मैं नमन करता हूँ, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। बता दे ऐ मेरी दीवार, ऐ कहाँ वो दरार के बात कर सके प्रेमी भी लेके जिसकी याद। दरार तूने बता ही दी, शुक्रिया दीवार। ये जुल्म तेरा है दीवार, तुझ पे लानत है, ये कोई खेल नहीं है, अरे मोहब्बत है। गोविंद राम निर्मलकर छत्तीसगढ़ के लोक नाट्य कला नाचा की दूसरी पीढ़ी के शीर्षस्थ कलाकार थे। छत्तीसगढ़ में कलकल बहती शिवनाथ नदी के तट पर राजनांदगांव जिले के मोहरा गांव में पिता गेंदलाल और माता बूंदाबाई के घर में गोविंद राम का जन्म 10 अक्टूबर 1935 को हुआ। उस समय शिक्षा का प्रचार प्रसार ज्यादा हुआ नहीं था, ऐसे में गोविंद राम का स्कूल में दाखिला नहीं हुआ। वे गांव में ही पले बढ़े और चूंकि धोबी का पेशा पुश्तैनी था तो गोविंद राम उस पर आगे बढ़ने लगे। कम उम्र में ही उनका विवाह रायपुर की रहने वाली दुलारी बाई से कर दिया गया, जिनसे उन्हें पुत्र ताम्रध्वज और रमेश, पुत्री रामेश्वरी, पुष्पा और लता हुई। इसी दौरान गोविंद राम के मन में नाचा देखकर ऐसी लगन जागी कि महज 13 साल की उम्र में वे नाचा से जुड़ गए। नाचा के वरिष्ठ कला साधकों के उत्साहवर्धन और मार्गदर्शन से प्रेरित होकर गोविंद राम ने अपनी प्रतिभा, लगन और निष्ठा के सहारे नाचा में अपनी एक महत्वपूर्ण जगह बनाई। गोविंद राम निर्मलकर के जीवन का संयोग था कि नाचा के कलाकार मदन निषाद उनके गांव में ही आ बसे। इसके बाद गांव में स्थित छोटी दुकान के समीप नाचा का आयोजन अक्सर होता और गोविंद राम का मन नाचा में बस गया। एक दिन संयोग से रवेली पार्टी में एक बार प्रमुख कलाकार प्रोग्राम में नहीं पहुंच पाया। मंडली के लोग सभी हड़बड़ाए हुए थे। मदन राम ने पूछा कि क्या उस कलाकार की जगह तुम काम संभाल सकते हो। मैंने फौरन हामी भर दी और रात भर नकल में जोकर की प्रमुख जिम्मेदारी इतनी बेहतर तरीके से अदा की कि उस दिन से मेरे हाथ से मंजीरा लगभग छूट गया। उसी दिन से गोविंद राम अभिनेता हो गए थे। नाचा में अकस्मात किसी कलाकार के अनुपस्थित होने से उपजे अवसर से
गोविंद ने अपने नाचा के प्रति समर्पण का मूल्य तुरंत प्राप्त कर लिया। इससे गोविंद राम को काफी आत्मविश्वास मिला और वे रवेली रिंगोनी पार्टी के श्रेष्ठ कलाकार साबित होते चले गए थे। गोविंद राम निर्मलकर ने पूरी शिद्दत के साथ मदन, लालू, ठाकुर राम और भुलवा जैसे कलाकारों की भूमिकाएं की। वे गम्मत के सीधे कुशल अभिनेता स्वीकार कर लिए गए। तब से गोविंद राम की कला यात्रा ने अनेक शिखरों को छुआ। 1947 में वे दाऊ मंदरा जी के प्रसिद्ध नाचा थिएटर मंडली रिंगनी रवेली नाचा पार्टी में शामिल हुए। हम लोग जब दाऊ मंदराजी जी के साथ में हम लोग जब नाच में जाते थे तो हम लोग को बहुत संघर्ष करना पड़ता था, क्योंकि उस जमाने में साइकिल था और बैलगाड़ी था, तो उसी में बैलगाड़ी में सब सामान को लाद देते थे, हारमोनियम, तबला, पेटी, ढोलक, यही चलता था। अब तो दुनिया भर के इंस्ट्रूमेंट निकल गया। बात 1958 की है। प्रसिद्ध रंगकर्मी हबीब तनवीर इंग्लैंड से लौटने के बाद कुछ समय दिल्ली में रहे और फिर वापस रायपुर आ गए। और ये संयोग ही था कि उनके घर के पास एक रात लोक नाट्य नाचा का कार्यक्रम हो रहा था। हबीब तनवीर रात भर नाचा देखते रहे। नाचा देखने के बाद हबीब तनवीर जी के मन में एक बात घर कर गई कि बिना प्रशिक्षण के भी हमारे छत्तीसगढ़ के नाचा कलाकार इतने अच्छे से अभिनय कर लेते हैं। इसी दौरान पहली बार दिल्ली थिएटर के लिए आगरा बाजार में गोविंद राम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद तो आने वाले 50 साल जैसे गोविंद राम और हबीब तनवीर का नया थिएटर एक दूसरे की पहचान बन गए। इसके बाद हबीब तनवीर ने नाचा के कलाकारों को दिल्ली में मोनिका मिश्रा के साथ 1959 में नया थिएटर ग्रुप की स्थापना की। जो छत्तीसगढ़ के कलाकारों के लिए स्वर्णिम संस्था साबित हुई। 1961 में गोविंद राम निर्मलकर को हबीब तनवीर ने नया थिएटर में काम करने दिल्ली बुला लिया, जहां गोविंद ने हबीब साहब के दो नाटकों रुस्तम सोहराब और मिर्जा शोहरत में काम किया था। लेकिन माँ की मृत्यु के बाद उन्हें छत्तीसगढ़ लौटना पड़ा और पहले लड़के के जन्म के बाद घर में रहने की इच्छा के कारण फिर मंदराजी दाऊ के साथ रवेली रिंगनी पार्टी से जुड़ गए। वे 1973 में फिर हबीब साहब के साथ चले गए और लगभग 10 वर्षों तक लगातार हबीब साहब के नाटकों में काम करते रहे। उन्होंने आगे चलकर तनवीर जी के बहुचर्चित नाटक चरणदास चोर में नायक का अभिनय किया। वो डायलॉग बोलते थे और ये लोग दोहराते थे। भुलवा राम, गोविंद राम, माला भाई, फिदा भाई दोहराते थे। दोहराते दोहराते याद हो जाता था। कई एक्टरों के रोल से गुजारते थे हबीब साहब, तो हर कलाकार का रोल उनको 85-90% याद हो ही जाता था। कान के सुना वो सही है। नहीं, गलत बात है बेटा। जो नाची में देख लेते वो सही हो। नहीं नहीं, कान में जो सुन लेते वो सही होते। अरे कावर पे लाइक कर दो क्या? मैं कावर पे लाइक करूं? अरे भैया, जो नाची में देख लेते वो सही हो। जा रिपोर्ट कर ले थाना में, कान में सुनते वो सही है। ऐसे तोर चल ले। नहीं, तोर मुंह गोल चक्का वाले तोर भूल जाइए। उस दौरान निर्देशक हबीब तनवीर के नाटक चरणदास चोर ने देश ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में अभिनय के नए प्रतिमान स्थापित किए और चरणदास चोर ने रंगकर्मियों के बीच राजनांदगांव के नाचा कलाकार गोविंद राम निर्मलकर को एक बड़े मंचीय नायक के रूप में उभार दिया। तो
तेरा दीवाना। मैं भी वही हूँ तेरी लैला। इस दीवार में एक छेद है, उसमें से दे चूमा। मुंह तो लगा हुआ है, मुंह में भर गए चूना। अभिनय को अपना धर्म कर्म मानने वाले गोविंद राम निर्मलकर ने नया थिएटर में नायक की भूमिकाएं की। मदनलाल और द्वारका के बाद गोविंद राम ऐसे कलाकार थे जिन्होंने चरणदास चोर नाटक की नायक की भूमिका कर अपनी कला का लोहा मनवाया। छत्तीसगढ़ की धरा की जीवन शैली में रंगमंचीय उत्सव के दर्शन से कला जगत अभिभूत हुआ और छत्तीसगढ़ ही बोली की लयात्मकता और भावों को व्यक्त करने की शक्ति से वैश्विक रंगमंच का भी मान बढ़ा। नाटक चरणदास चोर ने दुनिया के लगभग 17 देशों में धूम मचाई। अंतर्राष्ट्रीय नाट्य समारोह एडिनबर्ग लंदन में चरणदास चोर का प्रदर्शन विश्व के 52 देशों से आमंत्रित थिएटर समूहों के बीच हुआ और चरणदास चोर नाटक को विश्व रंगमंच के सर्वोच्च सम्मान एडिनबर्ग फ्रिंज अवार्ड से नवाजा गया। मलकर जो हैं, इन्होंने जब फ्रांस में एडिनबरा में जो चरणदास चोर का रोल प्ले किया तो लोग अभिभूत थे कि एक आदमी में इतनी लचक, इतना जो अभिनय का जो कला है वो चमत्कृत करने वाली थी और वो लगातार काम करते रहे। बताया जाता है कि एडिनबर्ग में नाटक चरणदास चोर के मंचन से पहले गोविंद राम निर्मलकर का पेट खराब हो गया था। पेट में दर्द के चलते उन्होंने पेट पर कस कर कपड़ा बांधा और उतर गए थे मंच पर अपना किरदार निभाने के लिए और आगे जो हुआ वो इतिहास बनकर रह गया। इसी घटना से कला के प्रति, रंगमंच के प्रति गोविंद राम निर्मलकर का समर्पण समझ में आता है। ब्रिटेन में मिली सफलता के बाद चरणदास चोर नाटक का मंचन विश्व के करीब 17 देशों में हुआ। जाने माने फिल्म निर्देशक श्याम बेनेगल ने फिल्म चरणदास चोर बनाई जिसमें गोविंद राम ने भी अभिनय किया। मशहूर साहित्यकार और लेखक विजयदान देथा की कथा पर आधारित नाटक चरणदास चोर के हजारों मंथन हुए। इस नाटक की सबसे खास बात यह रही कि इसके चोर बदलते रहे। नाटकों में रुचि लेने वालों को कभी मदन निषाद का काम पसंद आता रहा तो कभी रामलाल निर्मलकर और चैतराम का। समीक्षकों की राय रही कि चोर की भूमिका में सबसे ज्यादा फिट गोविंद राम निर्मलकर ही रहे। खुद हबीब तनवीर ने एक साक्षात्कार में ये बात स्वीकार की थी कि गोविंद राम आत्मविश्वास से भरे हुए बेजोड़ एक्टर है। वो अपने प्रॉपर्टी सब इकट्ठा करके फिर बैकस्टेज बैठते थे चुपचाप, टोटली फोकस्ड ऑन हिज रोल, और ये बिल्कुल प्रोफेशनल एटीट्यूड है और ये मैंने गोविंद राम में देखा और ये बहुत काबिले तारीफ बात है। और रंगमंच के जो कलाकार हैं आज की पीढ़ी के, उनको ऐसी गुणों को अपनाना चाहिए। उस समय तक गोविंद राम नाटकों के स्थायी कलाकार बन गए थे। लोक तत्वों से भरपूर मिर्जा शोहरत बेग, आगरा बाजार, बहादुर कलारिन, चारुदत्त और गणिका वसंत सेना की प्रेम कथा, मृच्छकटिकम, मिट्टी की गाड़ी, पोंगा पंडित, ब्रेख्त के नाटक गुड वुमेन ऑफ शिजुआन पर आधारित शाजापुर की शांतिबाई, गांव के नाम ससुरार, मोर नाव दामाद, छत्तीसगढ़ के पारंपरिक प्रेम गाथा लोरिक चंदा पर आधारित सोन सरार, असगर वजाहत के नाटक जिन लाहौर नहीं देख किया वो जन्मई नहीं, शेक्सपियर के नाटक मिड समर्स नाइट ड्रीम पर आधारित कामदेव का अपना वसंत ऋतु का सपना, इन तमाम नाटकों में गोविंद राम के अभिनय को सराहा गया। पैतरों की बात हमसे मत करना, खुदा का सब हम हाजी शरीफुद्दीन की तालीम के हैं, ऐसी जगह दूंगा अभी उड़नछू होगा, कसम है कलावर दूंगी। गोविंद राम के अभिनय से नाटकों के पात्र अब अविस्मरणीयता को प्राप्त होने लगे। इस तरह चरणदास चोर के अभिनय की भूमिका के साथ ही खासकर आगरा बाजार में ककड़ी वाला, बहादुर कलारिन में गांव का गौटिया, मिट्टी की गाड़ी में मैत्रेय, हास्य नाटकों के लिए प्रसिद्ध मौलियर के नाटक बुर्जुआ जेंटलमैन का छत्तीसगढ़ी अनुवाद, लाला शोहरत बेग में शोहरत बेग जैसे केंद्रीय और महत्वपूर्ण भूमिकाएं यादगार रही। इन्होंने बावन कोठी के रूप में सोन सागर में सर्वाधिक विस्मयकारी और प्रभावशाली अभिनय किया था। गोविंद राम रस सिद्ध कलाकार होना सिद्ध करने लगे थे। आंखों में उतर जाने वाले यम रूपी क्रोध को, वहशीपन को अपनी विलक्षण प्रतिभा का परिचय देने लगे। आगे।
साथ ही शुद्ध उच्चारण और मंच के लिए अपेक्षित लोचदार आवाज से वे पात्र गुण से एकाकार होने और संवेदनाओं को सहज उकेरने की कला में निष्णात होने लगे। मृच्छकटिकम मिट्टी की गाड़ी में नटी और मैत्रेय की भूमिका में चुटिले संवादों से हास्य व्यंग को एक नई ऊंचाई उन्होंने दी और पोंगा पंडित में व्यंग की दृश्य कला विधा से प्रदर्शनकारी कला तत्व को नए आयाम दिए। गोविंद राम ने रंगकर्मी हबीब तनवीर के निर्देशन में कई सफल नाटकों में मुख्य भूमिकाएं निभाई। मुद्रा राक्षस, जीव सिद्धि, स्टीफन जॉइक की कहानी देख रहे हैं नैन, दीवान, कामदेव का सपना, वसंत ऋतु में परियों से संवाद करने वाला बाटम, गांव के नाम ससुरार, मोर नाव दामाद में दामाद की भूमिका, जिन लाहौर नहीं देखिया वो जन्मई नहीं में अलीमा चाय वाला, वेणी संधारम में युधिष्ठिर, पोंगा पंडित में पंडित की जोरदार भूमिका गोविंद राम निर्मलकर की कला साधना की सार्थकता की कहानी है। 1983 में नया थिएटर से वापस आकर गोविंद राम ने फिर से नाचा में काम करना शुरू किया। इस बीच उन्होंने कई नाचा पार्टी का निर्माण भी किया, लेकिन समय बदल चुका था। गोविंद अफसोस करते हुए कहते थे कि रवेली रिंगनी पार्टी टूटने के बाद हम फिर वैसी पार्टी बनाने में सफल नहीं हो पाए। रवेली रिंगनी पार्टी की कमी महसूस होती है जो हम लोग के पार्टी छोड़कर जाने के बाद ही टूटी थी। रिंगनी रवेली जो पार्टी थी उसी तरह की चार पांच पार्टी और थी छत्तीसगढ़ में, जो उनकी अपनी खुद की बस थी, उनका पूरा सारा साजो सामान अपना खुद का था और वो उनके नाटक उनके नाचा में टिकट लगती थी बराबर और अच्छा खासा पैसा वो अपने कलाकारों को पेड भी करते थे। लेकिन जैसे जैसे संसाधन आते गए, विकास होता गया, वीडियो आ गया, फिर उसके बाद आजकल तो मोबाइल आ गया, सबके हाथ में मनोरंजन हो गया, इसके कारण जो है अब नाचा के दर्शक नहीं रहे। हमारा नाचा हो या हमारा रंगमंच हो, जो अत्याधुनिक जो मनोरंजन के साधन हैं उससे जो है मुकाबला हम नहीं कर पा रहे हैं। एक समय गोविंद राम ने अपनी नाचा पार्टी बनाकर चरणामृत, इंग्लैंड वाला और इंग्लैंड वाली गम्मतों की सर्जना की और उसका मंचन भी किया। गोविंद राम गंभीर प्रयासों के बाद भी छत्तीसगढ़ में अपनी नाचा मंडली नहीं बना पाए और न किसी नाचा पार्टी में अपने आप को अंतर्निहित कर पाए, इसलिए गोविंद राम फिर एक बार हबीब तनवीर के नया थिएटर में शामिल हो गए। गोविंद राम निर्मलकर छत्तीसगढ़ की नाट्य कला नाचा के सशक्त अभिनेता थे। नाचा में विभिन्न चरित्रों को निभाने के कारण गोविंद राम के अभिनय में कला तत्व से भरपूर आत्मविश्वास सदैव मौजूद होता था। वे नाचा विधा के उन्मुक्त रंग तत्वों को संतुलित रूप से प्रदर्शित करते थे। साफ दिखता भी था कि उनके अभिनय का मूलाधार नाचा ही था। नाचा के मूल में अपने परिवेश के ही हास्य और व्यंग की जमीन होती है। इस गुण की साधना से वे कभी अलग नहीं हुए। गोविंद राम ने अपने मार्गदर्शकों मदन निषाद से रचनाशीलता, लालू से अभिनय और ठाकुर राम से चपलता के गुण सीखे और अपनी मौलिक पहचान बनाई। वे पात्र के गुण धर्म को इस तरह व्यक्त करते कि कलाकार और पात्र का व्यक्तित्व एक दूसरे में घुल मिलकर एक हो जाते। गोविंद राम जी जो थे वो अपना चेहरा विचित्र विचित्र तरीके से बनाते थे। हर किरदार में कुछ ना कुछ वो वैसा बना के ऑडियंस को का फोकस अपनी तरफ ले आते थे। वो चरित्र को जैसा एक चरित्र सामान्य तरह से जो होता है उसको वो निभाते समय जो है उसमें चाहे वो विलेन का काम हो चाहे किसी तरीके भी चरित्र हो उसमें कुछ ना कुछ वो कॉमेडी का पुट वो ले आते थे। मजरू हूँ तेरा दीवाना, मैं भी वही हूँ तेरी लैला, इस दीवार में एक छेद है उसमें से दे चूमा, मुंह तो लगा हुआ है मुंह में भर गए चूना। गोविंद राम ने निश्चित ही अपनी कला साधना से छत्तीसगढ़ की कला परंपरा के आकाश को वृहद किया। नाचा गम्मत के अभिनय संसार को व्यापकता के साथ नई अर्थवत्ता दी। छत्तीसगढ़ के माटी के दुलारे गोविंद राम निर्मलकर को साल 2009 में उनके असाधारण कला और अनुकरणीय कार्यों के लिए देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अक्षय कुमार और ऐश्वर्या राय, इनके साथ गोविंद राम का नाम पढ़ा तो मेरे आंसू चल चला गया। मुझे लगा कि देखिए भारत में एक वर्ग ऐसा है जिसमें काबिलियत है, जिसमें क्षमता है, अनसंग हीरोज हैं और उन हीरोज की कहानी करने के लिए शायद दुनिया भी आके नहीं बढ़ी है।
ऐसा ही कारण है कि एक झटके में एक बार जब गोविंद राम का नाम लिया गया तो उनको पद्मश्री मिल गया है। तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के हाथों निर्मलकर ने यह सम्मान ग्रहण किया। तब सम्मान ग्रहण करने के लिए वे अपनी पत्नी के साथ दिल्ली गए थे। सम्मान लेकर अपने गृह जिले राजनांदगांव लौटे तो निर्मलकर के मन में कई अरमान थे। गोविंद राम ने तब कहा था कि वे लुप्त होती नाचा की विधा को नई पीढ़ी को सौंपकर इस दुनिया से विदा होना चाहते हैं। अपनी आखिरी सांस तक वे नाचा के लिए काम करना चाहते थे। तो ये गांव के आदमी की तरह एक सहज लोग थे जिनमें किसी प्रकार का अभिनेता का गुमान नहीं था, जबकि पद्मश्री मिली इतना नाम था, पर बहुत सहज तरीके से इन्होंने अपने जीवन को जिया और बहुत अंत में बहुत गुमनामी की तरह भी इनको जीना पड़ा। छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव मोहरा से दुनिया के रंगमंच पर अपने अभिनय की छटा बिखेरने वाले गोविंद राम निर्मलकर जब अपने उम्र के आखिरी पड़ाव में पहुंचे तो उन्होंने सोचा कि अब अपनी जड़ों में ही रहकर कुछ किया जाए। लेकिन इससे पहले बीमारी ने उन्हें घेर लिया। छह में गोविंद राम छुट्टी लेकर गांव मोहरा लौटे, जहां साइकिल से गिरने के कारण उनके हाथ में चोट लगी। छुट्टी खत्म होने के बाद वे भोपाल लौटे, जहां उन्हें लकवा यानी पैरालिसिस हो गया। उन्हें भोपाल के ही एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब हबीब तनवीर को यह पता लगा कि उनका अजीज रंग प्रेमी इस वक्त अस्पताल में भर्ती है तो वे स्वयं भोपाल के अस्पताल में उनसे मिलने पहुंचे थे। इसको कहा मुझे कि 6 महीने लगेंगे खुटी को, तो बाकी सब ठीक है, उसमें लगा दिया हड्डी एक बहुत सा लगा। आपको वापस स्टेज में फिर आना बाबा, ठीक हो जाओगे। ये सबसे ना ब्लड प्रेशर के ऊपर असर होते हैं। फिर क्या नहीं, हमको तो ऐसा लग रहा है कि हमारी परीक्षा हो रही है। एक के बाद एक हमारे साथ भोपाल के अस्पताल में कुछ दिन गोविंद राम निर्मलकर का इलाज हुआ, लेकिन देसी इलाज की चाह में वे गांव लौट आए। लकवे के चलते उनकी शारीरिक सक्रियता भी खत्म सी हो गई। गोविंद राम का शरीर जवाब दे रहा था। परिवार का बोझ और धनाभाव की पीड़ा भी कम नहीं थी। देश और दुनिया में अपनी कला से छत्तीसगढ़ का परचम लहराने वाले गोविंद राम निर्मलकर को तत्कालीन सरकार की ओर से महज 1500 रुपए की पेंशन मिलती थी। इसी रकम के सहारे ही इलाज और घर का खर्च चलाने की असफल कोशिश वे कर रहे थे। बुढ़ापे के दिनों में लकवाग्रस्त शरीर लेकर उन्होंने अपने स्वास्थ्य और आर्थिक समस्याओं के मार्फत हर जगह गुहार लगाई, लेकिन कहीं से मदद न मिलने पर उन्होंने तय किया कि वे पद्मश्री लौटा देंगे। तब निर्मलकर कहते थे कि जो सम्मान न मेरे काम आ रहा है न मेरी कला के, उसे धारण करने से क्या लाभ। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, किसी तरह मामला शांत कर दिया गया। गोविंद राम जी से आखिरी समय में जो है मेरा जो है उनसे मेल मुलाकात होती रही। मैंने बहुत कोशिश भी की कि उनको कुछ आर्थिक मदद हो जाए। ये गोविंद राम एक अकेले गोविंद राम जैसे कलाकार का ही ये दुख नहीं है, ये लोक कला से जुड़े हुए सारे कलाकारों का यही दुख है कि उनके आखिरी समय में उनको देखने वाला कोई नहीं। गोविंद राम निर्मलकर को पहले से लकवा था और फिर अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें 21 जुलाई 2014 को राजधानी रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तब डॉक्टरों ने बताया कि ब्रेन हेमरेज हुआ है। फिर तत्काल उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया और 27 जुलाई 2014 की दोपहर उनकी स्थिति अचानक बिगड़ना शुरू हुई और शाम 4 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। और फिर यहां के मुस्लिम भाइयों ने
रीति नीति से उस शव को सम्मान दिया। पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जो एक अपने आप में बहुत गौरव का विषय है। उनके न रहने के बाद उनकी स्मृति में राजनांदगांव में एक ऑडिटोरियम निर्मित हुआ, गोविंद राम निर्मलकर सभागार, साथ ही उनके मूर्ति की स्थापना, राजनांदगांव में नाचा केंद्र की स्थापना संस्कृति विभाग के अंतर्गत की गई है। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ ने उन्हें डीलीट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। नाचा के पुरोधा माने जाने वाले गोविंदराम निर्मलकर ने भले ही स्कूल में कभी कदम नहीं रखा, लेकिन इस विधा ने उन्हें इतनी शोहरत दिलाई कि देश की सर्वोच्च डिग्री डीलीट की उपाधि उन्हें दिला दी। जब उन्हें देश के नामी साहित्यकारों की मौजूदगी में ये मानद उपाधि प्रदान की जा रही थी, तब भावुक शब्दों में वे कह रहे थे कि मैं तो स्कूल के सकल खलो नहीं देखे, तभोले मोला बड़े बड़े आदमी संग बैठेला मिलत है, नाचा हा मोला अपर नाम दे दीस। गोविंद राम निर्मलकर आज सशरीर हमारे बीच नहीं हो, लेकिन नाचा के जरिए कला के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को जो वो देकर गए हैं उसका कोई मोल नहीं है, और इसके जरिए वो हर छत्तीसगढ़ी वासी के मन में और दिल में हमेशा जीवित रहेंगे।